तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ हैंडपम्प टेक्नीशियंस भर्ती परीक्षा 2023 के जो है एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में, आपको कुछ चीज़ों के बारे में और भी पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहता हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, इतने मेहनत से जो है एक एक वीडियोस बनाने के लिए एडिटिंग करना पड़ता है, वीडियो अपलोडिंग करना पड़ता है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैनेज करना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो पब्लिक होता है। आप लोगों के लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, वीडियोज़ को देखते नहीं। ज़रा आप ये सोचो कि आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन आपके मेहनत को अगर कोई अप्रिशिएट ना करे तो कैसा लगता है? आपको अगर मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट ना मिले तो कैसे लगता है? आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं, वीडियोस बनाता हूँ। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियोस ना बनाऊँ? क्या आप लोग चाहते हो कि आज से सर जो है वीडियोस बनाना बंद कर दे? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग चाहते हो कि वीडियोस सर ना बनाएं, जानकारी ना बताएं, नए नए जानकारी, जो नए नए वैकेंसीज, नए नए भर्ती परीक्षा, जो कट ऑफ है, मोटिवेशनल बातें, बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट करता होगा कि जो भी बातें बोल रहा है बहुत ज़्यादा ओवर बोल रहा है, मोटिवेशंस इधर उधर जिसका कोई मतलब नहीं। आपको बताना चाहता हूँ, शायद जो बातें मैं आपको बोलता हूँ, जो वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना, वो सभी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लगता होगा कि ये सब क्या है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको मेरी बातें, जो एक एक चीज़ जो मैं बोलता हूँ ना, वही चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप उन सभी सिचुएशंस को, उन सभी चीज़ों को जो है फेस करोगे, अभी आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ नए भर्ती परीक्षा के बारे में, कि अगर हम बात करें हैंडपम्प टेक्नीशियंस भर्ती परीक्षा, तो छत्तीसगढ़ में 2023 में जो है छत्तीसगढ़ में हैंडपम्प टेक्नीशियंस भर्ती परीक्षा जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें तो 188 पदों पर जो है भर्ती होना है, 24 सितम्बर को एग्ज़ाम्स होगा, और आज हैंडपम्प टेक्नीशियंस भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर भी सीजी व्यापम के द्वारा जो है जारी कर दिया गया है, सीजी व्यापम के द्वारा नया प्रेस विज्ञापन जारी किया गया। तो आखिरकार जो है किस तरह से सिलेक्शन जो है आपका हो पाएगा, कट ऑफ का लिस्ट जो है कितना होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है किस तरह से हो पाएगा, क्या आपका इसमें सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। टोटल 188 पोस्ट हैं और 188 पोस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट के, तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 75 से 80 नंबर वाले स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन होगा। देखो, बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन दिनों दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अगर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट की बात करें, तो ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 70 से 75 नंबर में सिलेक्शन होगा, और यदि आप जो है एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हो, तो 65 से 70 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, और वहीं यदि आप एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, तो एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के इसमें जो है 60 से 65 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है हो पाएगा। देखो, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, एक ही चीज़ पर बिलीव करता हूँ, वह खुद के ऊपर भरोसा करना, अपने आप के ऊपर जो है बिलीव करना। अगर आपको अपने आप पर जो है बिलीव होगा, खुद के ऊपर बिलीव होगा, मतलब हर एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है आसान है, हर एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है पॉसिबल हो, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है इतना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको लगने लगे कि यार ये इम्पॉसिबल है, वो चीज़ नहीं हो पाएगा, हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप कोशिश करते जाओगे, लगातार मेहनत करते जाओगे, तो एक दिन देखना आपके मेहनत का रिज़ल्ट जो है डेफिनेटली रिज़ल्ट जो है बेहतर ज़रूर होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सच बोलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, लेकिन एक समय के बाद आपको डिसअपॉइंट वो महसूस होगा, वो रिग्रेट फील होगा कि अब यार हमें गिव अप कर देना चाहिए, अब हमसे नहीं हो पाएगा, आपको एक टाइम के बाद यही चीज़ें जो है लगने लगेगा। लेकिन उस टाइम पर भी आपको पॉजिटिविटी जो है बना के रखने की, कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आप जो है फेल हो जाते हैं, आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम हो जाता है, तो आप थोड़ी ना गिव अप कर लेते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे उम्मीद के मुताबिक जो मैंने मेहनत किया उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा, तो कोई बात नहीं, आप फिर से मेहनत कीजिए, फिर उसी हार्डवर्क के साथ, उसी जोश जुनून के साथ फिर से मेहनत कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए, और अगली बार आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। तो कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है, मेहनत करते रहना, निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर कोशिश करते रहना, कब आपको कामयाबी मिल जाए, कब आपको सक्सेस मिल जाए, ये किसी को भी पता नहीं होता। जब आप लगातार कोशिश करोगे, लगातार मेहनत करोगे, तब जाके वो सभी कामयाबी मिलेगी, तब जाके वो सभी सफलता आपको मिल पाएगा, तो एक टाइम के बाद ही वो सभी रिज़ल्ट जो है मिल पाता है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, तो आपकी ज़िंदगी जो है बेहतर ज़रूर होगा, आपकी ज़िंदगी जो है बदलेगा ज़रूर, बस उस बदलाव
बस उस बदलाव के लिए आपको आज कोशिश करना है, उस बदलाव के लिए जो है आज आपको मेहनत करना है। तो आज जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो, आज जो है जितना ज़्यादा हो सके हार्डवर्क करो। आज अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करोगे, आज अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे, तो आने वाले टाइम में, आने वाले समय में तुम्हारा फ्यूचर जो है ज़रूर ब्राइट होगा। और छत्तीसगढ़ में हैंडपम्प टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा जो है 24 सितंबर को एग्ज़ाम्स होगा, तो 24 सितंबर को होने वाले भर्ती परीक्षा की तैयारी अभी से करो। कुछ ही समय बचा है, कुछ ही टाइम आपको बचा है, आपके लिए बचा है कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए। तो अपने जितना ज़्यादा पोटेंशियल, जितना ज़्यादा आपको मेहनत करना है, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करना है, 200% करना है या 500% मेहनत करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इतने अच्छे से मेहनत करो, इतने अच्छे से हार्डवर्क करो और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी जो है शोर मचा दे। बिल्कुल भी मत सोचो कि यार ये चीज़ होगा या फिर नहीं होगा, हमें सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगा। डेफिनेटली यार सफलता मिलेगी, डेफिनेटली कामयाबी मिलेगा। आप क्यों सोचते हो कि कामयाबी नहीं मिलेगा या फिर सफलता जो है नहीं मिल पाएगा? डेफिनेटली सफलता मिलेगी, डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। बस उसके लिए कंसिस्टेंट रहना होगा, उसके लिए रेगुलर रहना होगा। अगर आप रेगुलर रहते हो तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि एक टाइम के बाद मैं मेहनत करूँ उसके बाद छोड़ देता हूँ वापस से फिर से तो स्टार्ट करूँगा, तो ऐसे करोगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको लगातार एक ही चीज़ पर फोकस करते रहना, बजाय 10 चीज़ों को करने के आप एक ही चीज़ पर अगर फोकस करोगे तो ही आपके लिए बेहतर होगा। और ये भर्ती परीक्षा जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका क्वेश्चंस पेपर जो है किस तरह से पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चंस का आंसर, चाहे क्वेश्चंस हो और उसका आंसर हो, शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर का वीडियोस भी मैं 24 सितंबर को आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। तो यही आपका जो है कट ऑफ लिस्ट है, कट ऑफ की जो है सूची है। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स वर्क करना चाहते हैं, आप जो है अभी से वर्क कर सकते हो। अभी से वर्क करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, वरना अगर आप ये सोचोगे कि पेपर के 7 दिन पहले, 1 वीक पहले अगर हम तैयारी करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आपको लगातार कोशिश करते रहना, 1 वीक में ही आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। उस कामयाबी के लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करना होता है स्टार्टिंग से। अगर आप स्टार्टिंग से ही शुरुआत करते हो तो ही आपको एक अच्छा खासा बेहतर रिस्पॉन्स और एक बेहतर रिज़ल्ट जो है मिल पाता है। तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सो जो भी का जानकारी मैंने आपको बताया अच्छा लगा हो तो वीडियो, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। बहुत से लोग होते हैं जिन तक वीडियोस नहीं पहुंच पाता, उन लोगों तक वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जो है वीडियोस जो है पहुंच सके। तो और साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना, जो भी स्टूडेंट जब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले जो है मिल पाएगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो तुरंत वीडियोस देखना चाहते हैं लेकिन उन तक जानकारी नहीं पहुँच पाता, तो उन लोगों तक जो है नोटिफिकेशन जो है ज़रूर पहुंचा ताकि बाकी स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।